तो हे गाइस, वेलकम टू बैक अनदर ब्लॉग। वीडियो का थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कौन सी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ आज, R15 V3 VS6 के बारे में। यस, इसका कुछ प्रॉब्लम भी आपको बताने वाला हूँ। ये बाइक जितना मस्त चलता भी है, उसके कुछ थोड़ा प्रॉब्लम भी है, मैं उसको बताने वाला हूँ। सो गाइस, पिछला वीडियो को बहुत ज़्यादा आप लोगों ने प्यार दिया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बट आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो और सब्सक्राइब थोड़ा कम कर रहे हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब थोड़ा दबा दिया करो। और पहले कुछ सिनेमैटिक्स देख लेते, बात करते हैं। तो लेट्स गो, सिनेमैटिक्स पहले देखते हैं। सो ये गाइस सच है, एक छोटा सा वॉलिनी है। वॉलिनी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा अगर आप R15 ले रहे हो तो। तो आप में बीड, मतलब मैं खुद ही R15 परचेज करने से पहले बहुत राइडर के बारे में सुना था कि उसको बैक पेन होता है, रिस्ट पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो वो लोग ये नहीं बोलता था कि वो लोग पेन को कैसे ठीक करता है। तो मैं ये सच बोलता हूँ, मैंने पहले बता दिया था कि R15 का फर्स्ट वीडियो मैंने जो अपलोड किया था उसमें बता दिया था कि इसमें सब सच जानने को मिलेगा आपको। तो वो लोग पेन को रिलीव करने के लिए वॉलिनी कन्फर्म यूज़ करते होंगे। और दूसरा, वो गड़म सेक देता है ना, मैंने दिया था भाई कन्फर्म, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था यार। मतलब ये जगह पूरा पकड़ लिया था मेरे को, वो बैक पेन वगैरह नहीं हुआ बट रिस्ट पेन वगैरह हुआ था। तो सच आपको बता दिया, बाकी आप कमेंट पे बताना कि आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि नहीं। मैंने, मेरे को एक भाई ने मैसेज किया, मैं उसका मैसेज आपको दिखाता हूँ और आप देखो उसका मैसेज। मतलब उसने कंफर्म R15 चलाया होंगे तो इसीलिए उसको ये पेन हुआ होगा। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना जरूर। ओके गाइस, मैं दिखाता हूँ मैं कौन सी वाले जगह पे हूँ। ये देखो मेरा ब्यूटी यहाँ पे पीछे है, ठीक है, मस्त लग रहा है, कतई जहर। और ये देखो जगह, ठीक है, बहुत ही औसम जगह है। सिर्फ एक मेरे को कैमरा मिल जाए तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगी। ये देखो पीछे कौन, पुलिस का गाड़ी है, ठीक है। तो डरना नहीं, अपुन नहीं डरता है उससे, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।